हेलो, वेलकम टू इंडियन ज्योग्राफी। आज का जो लेक्चर होगा वो भारत की जनजाति के ऊपर होगा। जनजाति कवर करेंगे इस लेक्चर में। इंडियन ज्योग्राफी चल रहा था, इंडियन ज्योग्राफी का आज ये आखिरी लेक्चर होगा। हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप पूरा लूसेंट से कवर किया गया है इंडियन ज्योग्राफी देख सकते हैं। अगर आपको हमारा ये चैनल और सीरीज़ पसंद आई तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हमारे चैनल से आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं भारत में जनजाति के विषय में समझते हैं कुछ। देखिए भारत में जनजाति, भारत में जनजाति एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 के 25 के अनुसार जनजाति से तात्पर्य उन जनजाति समुदाय के अंशों या समूह से है जो संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति के रूप में माने गए हैं। तो यहाँ से क्या याद रखना है, अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति के रूप में माने गए हैं, ये एक अनुच्छेद याद रखना है। उसके बाद ये 366 के 25 के अनुसार समूह व अंशों से है, तो ये भी याद रखना है। दोनों इंपॉर्टेंट है, अनुच्छेद याद रखना है, जनजाति के विषय में दिया गया है। आगे देखते हैं, एक एक करके पूरे फैक्ट देखेंगे। जीवन की उत्पत्ति आदि सागर में आर्कियोजोइक ईरा से हुई है। याद रखिए जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है, आर्कियोजोइक ईरा से हुई है, ये डायरेक्ट पूछा जाता है, याद रखना है आपको। भारत आने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह निग्रो था। भारत आने वाला सबसे पहला प्रजाति समूह निग्रो था। निग्रो आया था पहले, निग्रो आए थे याद रखना है, और नार्डिक प्रजाति भारत के सबसे अंत में आई थी। तो दोनों याद रखना है, पहले कौन सी आई, सबसे पहले निग्रो, फिर नार्डिक सबसे अंत में आई थी, तो ये याद रखना है। उसके बाद देखते हैं अगला। हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड एवं भूमध्य सागरीय प्रजाति ने किया था, ये भी याद रखना है। हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड एवं भूमध्य सागरीय प्रजाति ने किया था, ये कभी पूछा जा सकता है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड याद रखना है। उसके बाद देखिए निग्रिटो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड मंगोलाइड प्रजाति के लोग भारत में आदिवासी जनजाति में सम्मिलित किए गए हैं। तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह को आदिवासी जनजाति में सम्मिलित किया गया भारत में, तो ये भी याद रखना है। जितने भी हैं आदिवासी सभी प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड समूह से हैं, तो आदिवासी में सम्मिलित किया गया, ये याद रखना है। निग्रिटो अंडमान निकोबार एवं त्रवण कोण व कोचीन की पहाड़ियों में पाई जाती है, तो निग्रिटो से याद रखना है। मंगोलाइड कौन है, मंगोलाइड लोग उत्तर पूर्वी एवं दक्षिण पूर्वी एशिया में रहते हैं, जो अमेरिका के मूल निवासी हैं, ये अमेरिका के मूल निवासी थे। भारत में ये आसाम हिमालय क्षेत्र लेह एवं लद्दाख में पाए जाते हैं, तो ये याद रखना है, ये भी एक प्रजाति है। नार्डिक उत्तर पश्चिम भारत के लोग, उत्तर पश्चिम भारत में जो आदिवासी जनजाति निवास करती है वो नार्डिक प्रजाति की है, तो ये भी याद रखना है। प्रच सिंध पंजाब राजस्थान गुजरात एवं महाराष्ट्र आदि के लोगों की प्रजाति है, याद रखना है। भूमध्य सागरीय प्रजाति जो चाहिए उत्तर भारत की उच्च जातियां हैं, उत्तर भारत में जो जातियां हैं जनजातियां हैं उसमें से उच्च जातियां हैं, तो भूमध्य सागर ये याद रखना है। तो ये कुछ फैक्ट थे यहाँ से इंपॉर्टेंट जो आपको पता होना चाहिए, सबसे पहले कौन आए क्या है, इस प्रकार के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो उसके बाद चलते हैं अपन आगे। उसके बाद देखिए जनजाति से डायरेक्ट पूछा जाता है, एक तो राज्य पूछा जाता है किस राज्य में निवास करती है, अगर उनकी कोई विशेषता है जो परीक्षा के हिसाब से इंपॉर्टेंट बन जाती है तो वो पूछी जाती है। तो देखिए मैं बताता हूँ कौन से आपको पूछे जाएंगे, कैसे पूछे जाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं गुजरात की। गुजरात में कौन सी जनजाति निवास करती है, सबसे पहले भील निवास करती है, भील पटेलिया इंपॉर्टेंट है, भील पटेलिया और डाफर ये इंपॉर्टेंट है, टोडिया ये इंपॉर्टेंट जनजाति है, बंजारा भी यहाँ निवास करती है, गुजरात से लगा हुआ है, कोली, तो ये आपको याद रखना है, भील बंजारा कोली पटेलिया डाफर और टोडिया आप इतनी याद रखते हैं गुजरात की है। हिमाचल प्रदेश की सबसे ज़्यादा पूछी जाने वाली है गुडडी और ला हौली, ये तीनों याद रखना है, गड्डी गुडडी और लाहौली ये हिमाचल प्रदेश की है, वेरी इंपॉर्टेंट। जम्मू कश्मीर में चलते हैं अपन। जम्मू कश्मीर की डायरेक्ट पूछी जाए गद्दी, गद्दी कहाँ की जनजाति कहाँ निवास करती है जम्मू कश्मीर में, याद रखना है आपको गद्दी, और ये गुज्जर भी याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है, गुज्जर
गुज्जर जनजाति जम्मू कश्मीर, उसके बाद केरल चलते हैं। केरल में सबसे इंपॉर्टेंट है मोपला आंदोलन हुआ था केरल में, याद कीजिए आप, आधुनिक भारत मोपला जनजाति केरल की है, तो यहाँ से एक ही याद रख सकते हैं आप, मोपला, ये इंपॉर्टेंट है सबसे ज़्यादा। उसके बाद मध्य प्रदेश में देखिए, सबसे पहले मध्य प्रदेश में गोंड जनजाति, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये गोंड जनजाति जो है ये भारत की सबसे बड़ी जनजाति 2011 की जनगणना के अनुसार। तो गोंड जनजाति कहाँ निवास करती है? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के ज़्यादातर बालाघाट जिले, मंडला जिला, बालाघाट मंडला जिला में निवास करती है। तो गोंड जनजाति भारत की सबसे बड़ी जनजाति है और कहाँ निवास करती है? मध्य प्रदेश में। फिर भील जनजाति की बात करते हैं, भील जनजाति, ये भील जनजाति जो है ये मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। भील कहाँ निवास करते हैं? ज़्यादातर मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश। उसके बाद देखिए यहाँ से मध्य प्रदेश से क्या क्या याद रखना है, गोंड जनजाति, भील जनजाति, बैगा, वेरी इंपॉर्टेंट जनजाति बैगा जनजाति मध्य प्रदेश, कोल जनजाति, मुंडा जनजाति, ये इंपॉर्टेंट थी, और गोंड तो मैंने बता दिया। देखो बंजारा जनजाति यहाँ भी निवास करती है, राजस्थान में करती है और मध्य प्रदेश में भी लगा हुआ है, तो मध्य प्रदेश में भी करती है। एक और जनजाति यहाँ पे निवास करती है जो सहरिया, सहरिया जनजाति मध्य भारत में करती है, सहरिया, तो यहाँ से इतना ही है। अब चलते हैं महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में एक बंजारा लगा हुआ है मध्य प्रदेश से, गोंड जनजाति यहाँ भी पाई जाएगी, कोली, ये कुछ है इंपॉर्टेंट बस यहाँ से। महाराष्ट्र के बाद चलते हैं मणिपुर, मणिपुर में सबसे इंपॉर्टेंट जनजाति कुकी, डायरेक्ट पूछा जाएगा कुकी जनजाति कहाँ निवास करती है? मणिपुर, कुकी, माउठी और नागा, वेरी इंपॉर्टेंट, कुकी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मणिपुर की, कुकी, माउठी और नागा। आगे चलते हैं मेघालय, मेघालय में एक तीन पहाड़ियाँ मैंने बताया था आपको, मेघालय में तीन पहाड़ियाँ हैं जिनका नाम है गारो, खासी और जयंतिया, तो ये जनजाति भी है, जनजातियों का भी नाम है गारो, खासी और जयंतिया, और इन्हीं के नाम पे पहाड़ी का भी नाम है, और मिरिक, तो ये है जिसमें से आपको तीन याद रखना है, गारो, खासी, जयंतिया और मिकिर, ये भी है एक, तो गारो, खासी और जयंतिया मेघालय। मिजोरम की बात कर लेते हैं, मिजोरम, मिजोरम की सबसे इंपॉर्टेंट चकमा, चकमा जनजाति मिजोरम की है, याद रखना है चकमा, मिजोरम में पाई जाती है, डायरेक्ट पूछा जाएगा। एक और है ये इंपॉर्टेंट, लूसाई, लूसाई की पहाड़ी भी है मिजोरम में, तो लूसाई, लूसाई भी कहाँ पर है? मिजोरम में, याद रखना है, मिजोरम की दो इंपॉर्टेंट है, चकमा और लूसाई। उसके बाद नागालैंड की है एक इंपॉर्टेंट, नागा जनजाति, मिकिर और अंगामी, ये तीन जनजाति है इंपॉर्टेंट नागालैंड की। उड़ीसा, उड़ीसा की देखिए कौन सी इंपॉर्टेंट है, उड़ीसा की, उड़ीसा में भी गोंड जनजाति मिलेगी, सोंड जनजाति भी मिलेगी, गोंड और सोंड उड़ीसा। भूईया जनजाति है इंपॉर्टेंट है, संथाल जनजाति इंपॉर्टेंट है, हो इंपॉर्टेंट है, हो, ये हो झारखंड में भी पाई जाती है, याद रखना, तो उड़ीसा झारखंड में हो। कोल जनजाति वेरी इंपॉर्टेंट उड़ीसा, उराव जनजाति उड़ीसा, चेचू यहाँ भी पाई जाती है, तो ये जिनमें मैंने टिक लगाया ये है सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जिसमें से आपको याद रखना है गोंड, सोंड, भूया, संथाल, हो, कोल, उराव, चेचू, यह है उड़ीसा की। अब राजस्थान में चलते हैं, राजस्थान की जनजाति देख लेते हैं। राजस्थान में देखिए भील जनजाति, मैंने बताया था मध्य प्रदेश से लगा हुआ है राजस्थान, तो वहाँ भी है। बंजारा वेरी इंपॉर्टेंट, सहरिया, सहरिया इंपॉर्टेंट है राजस्थान की, मीणा भी राजस्थान की है, और संसी भी है, गरासिया, ये भी सभी इंपॉर्टेंट है यहाँ से, मीणा, सहरिया, सांसी, गरासिया, भील, बंजारा, याद रखना है आपको, पेपर में डायरेक्ट पूछा जाएगा किस राज्य की है, राज्य पूछेगा या कोई विशेषता रहेगी तो वो पूछेगा। देखिए उसके बाद आगे चलते हैं सिक्किम, सिक्किम की एक ही जनजाति है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेपचा, लेपचा डायरेक्ट कहाँ निवास करती करके पूछा जाएगा सिक्किम में, याद ही रखना है आपको, एक ही है इंपॉर्टेंट है, लेपचा, लेपचा सिक्किम, लेपचा सिक्किम। उसके बाद बात करते हैं तमिलनाडु की, तमिलनाडु की सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टोडा जनजाति, ये नीलगिरी की पहाड़ी में निवास करती है, याद रखना है, नीलगिरी की पहाड़ी में निवास करती है, देखो लिखा हुआ है नीलगिरी की मूल जनजाति है, नीलगिरी की पहाड़ी में निवास करती है टोडा जनजाति तमिलनाडु, याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आते ही रहता है। उसके बाद यहाँ की इंपॉर्टेंट है टोडा कोटा, टोडा कोटा भी तमिलनाडु में, टोड कोटा है, टोड कोटा, ये भी याद रखना है। त्रिपुरा, अब चलते हैं आगे त्रिपुरा, त्रिपुरा की है रियांग जनजाति, ये इंपॉर्टेंट है, एक रियांग जनजाति। उसके बाद उत्तराखंड चलते हैं, उत्तराखंड की सबसे इंपॉर्टेंट जनजाति है थारू, उत्तराखंड याद ही रख लेना है।
थारू कहाँ पाई जाती है? उत्तराखंड में। उसके बाद भोटिया, ये भी इंपॉर्टेंट है कि यहाँ की भोटिया तो याद रखना है। उसके बाद खास, ये भी है एक, तो यहाँ से इतना ही उत्तराखंड। पश्चिम बंगाल देखते हैं, पश्चिम बंगाल में लेपचा, लेपचा देखो मैंने बताया था सिक्किम में, लेकिन दार्जिलिंग क्षेत्र जो होता है अपने इधर सिक्किम में, सॉरी दार्जिलिंग क्षेत्र पश्चिम बंगाल में जो है वहाँ भी निवास करती है लेपचा, तो पश्चिम बंगाल में भी आ सकता है लेपचा, याद रखिए। सिंथौल, संथौल वेरी इंपॉर्टेंट। भूमिज, ये जनजाति पश्चिम बंगाल की, भूमिज, ये तीनों का नाम याद रखना है। एक दो बार वीडियो को देखिए और कुछ विशेष तरीका आप सोचिए जिससे आपको याद हो, लिख के देखिए एक आध बार। आसाम, आसाम में देखिए नागा जनजाति वेरी इंपॉर्टेंट। कोछारी बोडो, कोछारी बोडो, बोडो जनजाति, कोछारी बोडो, ये कहाँ पे? आसाम में, वेरी इंपॉर्टेंट। बोडो, बोडो जनजाति याद रखिए। और लुसाई भी आ सकता है इधर, लुसाई, लुसाई की भी इंपॉर्टेंट है, आसाम में लुसाई की पहाड़ी है लुसाई। तो ये कौन सी इंपॉर्टेंट है? नागा, कोछारी, बोडो, लुसाई, ये तीन इंपॉर्टेंट है। और एक और इंपॉर्टेंट है यहाँ से, कोछारी सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये आसाम भी हो गया। आंध्र प्रदेश में देख लेते हैं, आंध्र प्रदेश की सबसे इंपॉर्टेंट जनजाति है चेचूस, चेचूस, ये इंपॉर्टेंट है। चेंचू इधर भी पाते हैं, पाई जाती है आंध्र प्रदेश में, चेंचू, ये दोनों याद रखना है बस, इससे इतना ही है आंध्र प्रदेश से। अरुणाचल प्रदेश देखते हैं, अरुणाचल प्रदेश में है मोपा, मोपा जनजाति वेरी इंपॉर्टेंट अरुणाचल प्रदेश। डाबला, डाबला जनजाति भी है अरुणाचल प्रदेश में, ये दो इंपॉर्टेंट है, डाबला और मोपा, ये दो इंपॉर्टेंट है यहाँ से, बाकी आप देख सकते हैं। झारखंड देखते हैं, झारखंड, झारखंड में है सिंध, संथाल, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। झारखंड की सबसे ज़्यादा पूछी जाती है सिंथाल, संथाल याद रखिए। झारखंड, मुंडा जनजाति, बोली भी है झारखंड तरफ संथाली, तो उस हिसाब से याद रख सकते हैं आप, झारखंड तरफ सिंथाल। मुंडा जनजाति, मुंडा, बिरसा मुंडा, यही जनजाति से बिरसा मुंडा को आप जानते होंगे, इनका जन्मदिन आता है 15 नवंबर को, और 15 नवंबर को ही झारखंड का स्थापना दिवस मनाया जाता है, याद रखिए। झारखंड जो था वो भारत का राज्य बना था 15 नवंबर को। तो मुंडा जनजाति, हो वेरी इंपॉर्टेंट, हो जनजाति झारखंड, ओरवा, ओरव है, ओरव, सॉरी, ओरव जनजाति, और ये कोरबा, कोरबा जनजाति, और ये भूया, ये कुछ इंपॉर्टेंट है यहाँ की, भूया, जिसमें से आपको याद रखना है संथाल, मुंडा, हो, ओरवा, कोरबा और भूया, इतनी इंपॉर्टेंट है। देखो गोंड जनजाति इधर भी मिल जाएगी थोड़ी बहुत, तो गोंड जनजाति है। लक्षद्वीप चलते हैं, लक्षद्वीप की जनजाति है एक ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये वासी, वासी जनजाति कहाँ निवास करती करके डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, वासी जनजाति लक्षद्वीप। अंडमान निकोबार की देख लेते हैं, अंडमान निकोबार की सबसे ज़्यादा पूछी जाती है औजे, औजे जनजाति अंडमान निकोबार, याद रखना है। जारवा, जारवा जनजाति, जारवा जनजाति अंडमान निकोबार। सैंपेन, सैंपेन जनजाति अंडमान निकोबार। ये सेंटलीज जनजाति इंपॉर्टेंट है, ये अलग एक सेंटलीज नाम के टापू में रहती है, और इनको डिस्टर्बेंस, सरकार का डिस्टर्बेंस, लोगों का डिस्टर्ब करना इनको पसंद नहीं है, ये एक इंपॉर्टेंट जनजाति यहाँ की सेंटलीज, ये याद रखना है। अंडमानी निकोबारी जनजाति के नाम है, सैंपेन याद रखना है, जिसमें से मैंने आपको बता दिया औजे, जारवा, तो ये कुछ बता दिया आपको, तो इतनी जनजाति थी। उसके बाद आगे देखते हैं यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनते हैं। अगला फैक्ट देखिए, जनजाति विकास विभाग द्वारा भारत सरकार के अनुसार भारत में जनजाति समुदाय की संख्या 550 है, जनजाति समुदाय की संख्या 550 है, तो ये भी फैक्ट देख सकते हैं आप। 2011 के जनगणना के अनुसार जनजातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत की जनसंख्या का 8.6% है, 8.6% जनजाति है पूरे भारत में, जनजाति, जातियों की जनसंख्या संपूर्ण भारत की प्रतिशत बताया गया है। आगे देखते हैं, जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश, देखिए डायरेक्ट अगर पूछा जाएगा जनसंख्या की दृष्टि से सर्वाधिक जनजाति कहाँ निवास करती है, यहाँ पे कहाँ पर है, तो मध्य प्रदेश लगाना है आपको,
और प्रतिशत में पूछा जाएगा तो मिजोरम, तो देखो वही लिखा है इस पे। जनसंख्या की दृष्टि से मध्य प्रदेश, वही मिजोरम प्रतिशत की दृष्टि से सबसे बड़ा जनजाति जनसंख्या वाला राज्य है। तो मध्य प्रदेश में संख्या में सबसे ज़्यादा है और प्रतिशत में सबसे ज़्यादा है मिजोरम में, दोनों याद रखना इंपॉर्टेंट है। अगला फैक्ट देखते हैं, संविधान के 89वां संविधान संशोधन 2003 के द्वारा एक राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की व्यवस्था की गई है। कौन से संविधान संशोधन द्वारा 89वें कौन से अनुच्छेद में रखा गया है, अनुच्छेद 338 का की स्थापना की व्यवस्था की गई है। इस आयोग जब ये आयोग गठन किया गया था तो इस आयोग के प्रथम अध्यक्ष यूएस ठेबर को बनाया गया था, यूएस ठेबर को बनाया गया था, याद रखना है। उसके बाद अगला फैक्ट देखिए, ठक्कर बाप्पा को आदिवासियों का मसीहा के नाम से जाना जाता है, तो ये याद रखना है आपको, ठक्कर बाप्पा को आदिवासियों के मसीहे के उपनाम से जाना जाता है, तो आदिवासियों का मसीहा पूछा जाए तो ठक्कर बाप्पा। अगला देखते हैं, भारत की सर्वाधिक अध जनजाति यानी प्रीमिटिव ट्राइब गोंड है जो भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति, भारत की सबसे बड़ी जनजाति पूछा जाए 2011 की जनगणना के अनुसार तो गोंड जनजाति है, ये सही लगाना है आपको। उसके बाद अगला देखते हैं, सैमपेन जनजाति निकोबार द्वीप समूह में पाई जाती है, मैंने बता दिया था जब भी सैमपेन जनजाति निकोबार अंडमान निकोबार में पाई जाती है निकोबार द्वीप समूह में। टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ी पर निवास करती है, बता दिए हैं ये, टोडा जनजाति नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में निवास करती है, याद रखना है, पूछा जाता है। थारू जनजाति मैंने बता दिया था उत्तराखंड की है। जनजाति दिवाली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, यानी शोक त्यौहार के रूप में मनाती है, दिवाली को शोक त्यौहार के रूप में मनाती है, इसको याद रखना है। मिथन त्यौहार नागा जनजाति का है, मिथन त्यौहार नागा जनजाति, मिथन त्यौहार नागा जनजाति का इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। नायर जनजाति में परिदर्शक पति यानी विजिटिंग हस्बैंड की अवधारणा पाई जाती है, यानी पाया जाता है, तो ये भी याद रखना है, नायर जनजाति में विजिटिंग हस्बैंड की अवधारणा पाया जाता है। टोडा जनजाति पशुपालन तथा भैंस पालन का काम करती है, टोडा जनजाति कहाँ पर निवास करती है बताया था मैंने आपको, नीलगिरी की पहाड़ी में तमिलनाडु में। संथाली लोग पुजारी को नायक कहते हैं, संथाली लोग पुजारी को नायक कहते हैं। हो जनजाति, अगला फैक्ट देखिए, हो जनजाति झारखंड में निवास करती है, उराव एवं मुंडा जनजाति के धार्मिक पुरुषों को पहन कहते हैं, जबकि छत्तीसगढ़ के गोंड उन्हें बैगा कहते हैं, और केरल के कंत्रीकर और यूराली उन्हें प्लाथी कहते हैं, तो ये भी याद रखना है, ये एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, कभी पूछा जा सकता है। जनजाति की शैक्षण संस्थाओं को युवा ग्रह कहा जाता है, युवा ग्रह कहा जाता है, और नाच गाकर अपना जीवन कमाने वाली दक्षिण राजस्थान की जनजाति गरासिया है। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो मैंने आपको बताने की कोशिश की हूँ। आपको ये लेक्चर को एक दो बार देखना है और चेक करना है कि कहाँ से क्या क्वेश्चन किस प्रकार के पूछे जाते हैं। तो ये आखिरी लेक्चर था लूसेंट से, इंडियन ज्योग्राफी पूरा कंप्लीट होता है, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके पूरे लेक्चर देख सकते हैं। तो इससे इतना ही, आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं आपको सीरीज़ कैसी लगी, और कोई और टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो नमस्ते।